भ्रष्टाचार की ही बात करें, अमित जी तो देखिए कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ने वाले हैं, बड़ा मुद्दा उन्होंने उसको बताया। इधर हम देख रहे हैं कि जब से चुनाव की घोषणा हुई, आपने बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल कर लिया, क्या आपको नहीं लगता इससे आपका जो स्टैंड है, एक जो आपको अलग दिखती थी पार्टी बाकियों से, अब आप भी, आपके यहाँ भी बहुत सारे भ्रष्टाचारी आ गए हैं पार्टी में, तो आपका डाइल्यूट होता है स्टैंड? जरा भी स्टैंड डाइल्यूट नहीं होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, मैं कई बार कई साक्षात्कार में कह चुका हूँ, हमने एक भी केस विड्रॉ नहीं किया है। बीजेपी शासित राज्यों के एक भी अधिकारी के घर भी ईडी की रेड हुई? क्या बीजेपी में जो लोग आ गए उनकी फाइल को ईडी की नजर पड़ रही है? क्या अजीत पवार जिनकी प्रॉपर्टी सीज तक की ईडी ने, उनके अजीत पवार के केस में एक भी संबल उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ईडी ने दिया? क्या छगन भुजबल जो 2.5 साल जेल की सलाखों के पीछे रहे थे, उनके सीबीआई और ईडी जो उनके मामलों की जांच कर रही थी, उनके एनडीए में पाला बदल लेने के बाद छगन भुजबल से कितनी बार पूछताछ और कितनी बार सम्मन दिया गया? क्या हसन मुशरिफ जो जो मंत्री बनने से पहले एनडीए सरकार के एक हफ्ते पहले ईडी ने क्या रेड की थी, उस रेड का क्या हुआ, उसके बाद का सम्मन ईडी ने दिया या नहीं दिया?